दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रुपेश कुमार रीजनिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, जैसा कि मैं कल कहा था, आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में आप देखेंगे इसके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो पहला प्रश्न होगा वर्ग गिनना, दूसरा प्रश्न होगा त्रिभुज गिनना, तीसरा टाइप का प्रश्न होता है चतुर्भुज तथा आयत गिनना, पांचवा होता है वृत्त गिनना, उसमें कितने वृत्त हैं, छठवां होता है विकर्ण तथा रेखाएं गिनना। विकर्ण, ये विकर्ण होता है, इसी को रेखा कह दें या विकर्ण कह दें। तो इस तरह से कितने टाइप हम लोग पढ़ेंगे, पांच टाइप के, और हर एक दिन हर एक टाइप फिनिश करेंगे। तो आइए पहला हम लोग पढ़ते हैं वर्ग गिनना। क्या पढ़ते हैं? वर्ग गिनना। पांच टाइप के प्रश्न होंगे, जल्दी से आइए वर्ग गिनना से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। वर्ग गिनना पहली हेडिंग क्या रहेगी हम लोगों की? वर्ग गिनना। पहली हेडिंग वर्ग गिनना, पहली हेडिंग होगी वर्ग गिनना, वर्ग गिनना, वर्ग गिनना होगी, वर्ग गिनना। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए आप सभी लोग, ये मान लीजिए एक वर्ग हो गया, वर्ग फर्स्ट हो गया, ये एक डायग्राम हो गया, ये यहाँ पर एक और बढ़ा दीजिए, ये हो गया, दो हो गए। आप देख पा रहे होंगे एक ये वर्ग हो गया और एक ये हो गया। इसमें क्या हम सभी लोगों को करना है, पहले एक बात समझिए, पहले एक फार्मूला होता है, आप सभी लोग फार्मूला पढ़े होंगे, n n प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एवरेज का फार्मूला है एक, इसको याद करना पड़ेगा। फिर लॉजिक भी है, देखिए जैसे इसमें वर्ग हम लोगों को गिनना है, अगर फार्मूले से करेंगे देखेंगे जितना रो रहेगा, जितना रो उतना ही कॉलम, उतना ही कॉलम, उतना ही कॉलम, अगर है एक दो है और एक एक और दो है, मान लीजिए दो दो दोनों है, दोनों तरफ से है, दो दो दोनों तरफ से है, एक और दो दोनों है, एक और दो दोनों तरफ से है, जब तो क्या करेंगे, एक दो और एक दो, एक दो एक दो, यानी दोनों तरफ से दो दो ही है, किधर से भी गिने दो दो ही है, अगर रो की तरफ से गिनते हैं तो एक दो, अगर कॉलम की तरफ से गिनते हैं तो एक दो, यानी कि दो दो ही है, दो है मतलब सेम है, सेम है। तो क्या करेंगे इसके लिए फार्मूला है एन एन प्लस वन कोष्टक में टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, इसी फार्मूला पर रखेंगे एन बराबर तब दो हो जाएगा। ये फार्मूला फिर इन्हीं पर लगेगा जिनके रो और कॉलम, रो और कॉलम समान हो, रो और कॉलम आप देखेंगे तीन यहां पर भी है तो तीन यहां पर भी है, दो यहां पर है तो दो यहां पर, यानी रो रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम दोनों समान है। देखेंगे एन बराबर दो रखेंगे जब, दो एन एन प्लस वन यानी तीन एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन टू एन, टू एन का मतलब गुड़े, टू एन का मतलब दो, दो गुड़े दो यानी चार प्लस वन, प्लस वन अपॉन सिक्स, देखेंगे दो तीन छह कट गया, चार एक पांच, कितना पांच, पांच देखेंगे इसमें कैसे, एक एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला, पूरा ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, सिर्फ समझते चलिए पांच ये हो गया। फिर आएंगे क्वेश्चन पर, ये सिर्फ आज समझेंगे, इसके बाद फिर आएंगे क्वेश्चन। मान लीजिए अगर इसको एक एक बात और समझिए लॉजिक से, लॉजिक से कैसे लगाएंगे, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये दो हो गया, जो बड़ी संख्या होगी उसी का स्क्वायर कर देंगे, फिर इसमें प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर जो छोटी होगी उससे जब तक एक ना आ जाए, तो देखेंगे दो ही बार में एक आ गया, यानी दो दुना की चार प्लस एक एक कम एक, कितना आ गया, पांच आ गया, ये बेसिक से हो गया। और एक लॉजिक से है, लॉजिक से क्या है, जैसे दो गुणे दो कर देंगे, फिर एक गुणे एक कर देंगे, जो बड़ा होगा उससे एक कम, इससे एक कम, जब तक एक न आ जाए, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखेंगे ये पांच हो गया। अब एक लॉजिक से, लॉजिक से का मतलब दो गुणे दो बराबर चार, और फिर इसके एक कम, एक गुणे एक बराबर एक, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, पांच आ गया,
इस तरह से लगेगा। और ये मान लीजिए थर्ड वाला, अगर ये पहले हम लोग लगाएंगे फार्मूले से, तो फार्मूला से जब लगाएंगे तो यन यन का मान तीन रखेंगे, तीन गुड़े यन 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 प्लस वन यानी चार, गुड़े टू यन, टू यन का मतलब तीन दुना छ प्लस वन यानी सात, तीन दुना छ एक सात कर देंगे, अपॉन सिक्स कर देंगे, दो दुना चार, दो तीन छ, तीन से तीन कट गया, सात दुना चौदह, कितना चौदह, इसमें कितने वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं चौदह हैं, कितने वर्ग हैं चौदह वर्ग है। मान लीजिए आप बेसिक से लगाएंगे अगर, तो सबसे बड़ा वाला क्या होगा तीन होगा, तीन का स्क्वायर कर देंगे, तीन का स्क्वायर कर देंगे गुड़े दो का स्क्वायर कर देंगे गुड़े एक का स्क्वायर, जब तक एक न आ जाए, तीन त्रिका नौ, दो दुना चार, तीन त्रिका नौ प्लस होगा, प्लस होगा बीच में प्लस होगा, मल्टीपल नहीं होगा प्लस होगा, प्लस दो दुना के चार प्लस एक कम एक, नौ पांच चौदह, कितना आ गया चौदह आ गया। अगर लॉजिक से लगाना चाहे, लॉजिक से लगाएंगे तो तीन गुड़े तीन, तीन त्रिका नौ, दो गुड़े दो, दो दुना चार, एक गुड़े एक बराबर एक, नौ चार तेरह एक चौदह, कितना चौदह, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये लॉजिक हो गया, लॉजिक बैठा रही है, फार्मूला बैठा रही है, बेसिक भी बैठा रही है, तीनों बैठा रही है। फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, शानदार क्वेश्चन होंगे सब। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, चलते हैं कि कहाँ चलते हैं क्वेश्चन, आइए दोस्तों सीधे चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दी गई ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है, इसमें कुल कितने वर्ग हैं, ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 26, डी 30, जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं, जब जब इसकी गिनती करते हैं एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, यानी कि ये कॉलम और ये रो दोनों में मात्रा बराबर है, बराबर है तो फार्मूला लगेगा, अगर बराबर नहीं है तो फार्मूला नहीं लगेगा, तब उसमें आयत बनेगा, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आइए देखते हैं, देखते हैं सबसे पहले फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, यन एन प्लस वन कोष्टक में टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये फार्मूला होता है, एवरेज में है ये, तो इसको याद कर लीजिएगा। यन का मान यहाँ पे चार होगा, जो सबसे बड़ी होगी वही यन का मान होगा, यानी चार, चार गुड़े चार एक पांच, गुड़े चार दुना आठ एक नौ बटा के छह, दो दुना चार, दो तेजन छह, तीन त्रिका नौ, पांच दुना दस, पांच दुना दस तेजन तीस, कितने हो गए तीस हो गए, तीस हो गए। ये तो लग गया कंसेप्ट फर्स्ट से, अब देखिए नंबर दो बेसिक से, ये फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला तीन तीन लगाइए, उसके बाद हम लोग ये फर्स्ट वाला तीन समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक सिर्फ लगाएंगे, जो भी लगाएंगे एक लगाएंगे, फार्मूला बड़ा होगा, मगर ये आइए देखते हैं एक और, ये बेसिक से, ये बेसिक से, ये क्या है बेसिक है, बेसिक इसका क्या होगा कि सबसे बड़ा वाले का स्क्वायर प्लस उससे छोटे वाले का स्क्वायर प्लस उससे छोटे वाले का स्क्वायर, जब तक एक न आ जाए तब तक स्क्वायर करेंगे। तो देखेंगे चार का स्क्वायर सोलह, तीन त्रिका नौ, दो दुना चार प्लस एक, सोलह नौ पच्चीस, चार उनतीस एक तीस, तीस आ गया, इसमें भी तीस आ गया। आइए अब एक लॉजिक से लगाते हैं, क्या एक लॉजिक से लगा देते हैं, ये नंबर तीन लॉजिक, लॉजिक से कैसे लगेगा, देखिए लॉजिक से इस तरफ लगेगा, पहले चार का चार में मल्टीपल करा देंगे, सेम सब फार्मूले से ही है, चार का फिर उससे कम एक का डबल बार, फिर उससे कम एक बार डबल, फिर उससे कम एक बार, जब तक एक ना आ जाए, एक आ गया, अब यहां करेंगे चार चौक सोलह, तीन त्रिका नौ, दो दुना चार, एक एक कम एक, सोलह नौ पच्चीस, चार उनतीस एक तीस, तीनों से तीस आ गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आइए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसमें बताइए आप सभी लोग देखेंगे, ये अब कितना हो गया, ये अब क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन बदल गया है, मतलब तेरह चौबीस चौदह सोलह,
अब देखिए ये क्वेश्चन बदल चुका है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब ये भी मिटा दीजिए शुरुआत से, फिर से एक बार और समझिएगा। देखिए अब ये आकृति है, इसमें कुल कितने वर्ग हैं इसका बताना है। तो आप देखेंगे पहले गिनती कर देंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, रो का इस साइड से करेंगे, कॉलम का इस साइड से करेंगे। रो और कॉलम का गिनती कर देंगे तो पाएंगे कि तीनों तीनों मतलब सेम है। तो फार्मूला लगाएंगे या बेसिक लगाएंगे या लॉजिक लगाएंगे, तो आइए इसमें सीधे हम लोग लॉजिक ही लगा लेते हैं। तीन गुड़े तीन बराबर तीन त्रिका नौ, दो गुड़े दो बराबर चार, एक गुड़े एक बराबर एक, और सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? नौ चारते एक चौदह आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी से कॉपी करिए, फिर आते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन पर। जल्दी से कॉपी करिए। आइए आशा करते हैं आप सब लोग कॉपी कर लिए होंगे। फिर आते हैं एक और क्वेश्चन पर। देखेंगे आप क्वेश्चन, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, जल्दी से बताइए बताइए। अब तीनों तीन, तीन का एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन वाला है, एक ये एक्स्ट्रा है। तो आप पाएंगे सबसे पहले गिनती करेंगे तो वन टू थ्री है, वन टू थ्री है, यानी तीन तीन वाला है। तीन तीन वाले में कितना बना था? तीन तीन वाले में पाएंगे आप चौदह बना था, याद कर लीजिए। तीन तीन वाले में चौदह बना था, इसमें एक ऐड हो गया तो कितना हो गया? पंद्रह हो गया। कितना? पंद्रह। कितना हो गया? पंद्रह हो गया। टोटल कितना हो गया? पंद्रह हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। या लगाना चाहेंगे तो फिर वही तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, ये बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक से बता रहा हूँ। तो तीन त्रिका नौ प्लस दो दुना के चार, दो दुना चार प्लस एक एक कम एक बराबर तेरह, एक चौदह हो गया। चौदह में ये एक जो एक्स्ट्रा है ये इन सबों में नहीं जुटा है, एक इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? पंद्रह आ जाएगा। इस तरह से लगेगा, यानी कि सबसे पहले वन टू थ्री, वन टू थ्री, तीन तीन वाले में कितना बन रहा है? चौदह बन रहा है। अगर तीन तीन का वर्ग है, तीन तीन का वर्ग है तो इसमें चौदह वर्ग बन रहे हैं। तीन तीन रो कॉलम है तो चौदह बन रहे हैं। अगर चार चार रो कॉलम था, चार चार रो कॉलम था, चार चार रो कॉलम था तो तीस बन रहे थे, तीस वर्ग बन रहे थे। अगर दो दो वर्ग था तो पांच बन रहे थे, ये याद कर लीजिए। अगर रो और कॉलम दो दो है तो पांच वर्ग, पांच वर्ग। अगर तीन तीन है तो चौदह वर्ग, अगर चार चार है तो तीस वर्ग, ये याद कर लीजिए। अब इसी पर सब घुमाएगा क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन आया है, मान लीजिए आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हो गया एक दो तीन, ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये तीन, एक दो तीन, ये हो गया। अब मान लीजिए एक यहां पर हो गया और एक यहां पर हो गया, दो, कितना? दो, दो हो गया, दो हो गया। तब इसमें कितने वर्ग है? तब इसमें कितने वर्ग है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 17। तब बताइए इसमें कितने वर्ग है? तो आप देख पाएंगे एक दो तीन है, एक दो तीन है, यानी कि इधर से जब काउंटिंग करेंगे तो ये तीन वाला वर्ग, ये वर्ग है ना, आयत बन गया, ये तीनों बराबर होगा, ये तीनों बराबर होगा, ये इसमें था, ये वर्ग था इसमें।
तो देखेंगे तीन तीन दो और तीन, इधर से जब गिनेंगे तो भी तीन, रो से गिनेंगे कॉलम, रो से गिनेंगे तब भी कॉलम से गिनेंगे तब भी। तीन तीन में कितना बना था, 14 बना था, 14 में दो एक्स्ट्रा है, एक ये यानी दो और जुड़ जाएगा यानी 16। अब इस तरह से हम लोग काउंटिंग करेंगे, लगाने की जरूरत नहीं है, तीन तीन का याद कर लिए हम लोग, 14 होता है। तो इस तरह से 14 दो 16 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए एक और क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में, यूपीएसआई में आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका ऑप्शन दिया है 16 B 19 C 18 D 29 29। जल्दी से बताइए, देखेंगे सबसे पहले गिनेंगे एक दो तीन और एक दो तीन, रो और कॉलम, रो और कॉलम को गिन देंगे। तीन तीन का पा रहे हैं हम लोग, तीन तीन में कितना आता है वर्ग, 14 वर्ग होता है। तीन तीन अगर रहेगा रो और कॉलम तो 14 वर्ग होता है, 14 वर्ग में एक्स्ट्रा कितना है, एक दो तीन चार पांच, यानी पांच एक्स्ट्रा है, पांच एक्स्ट्रा जुड़ा है उसमें, 14 5 19। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इन सबों का। अब ये नहीं करना है कि इसको 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 एक वर्ग और कर देना, नहीं, ये तो तीन तीन में गिना जा चुका है, तीन तीन वाले में गिना जा चुका है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यही 14 तो 14 हो गया पूरा, और जो एक्स्ट्रा है यही जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अब एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, ये आकृति है पूरा, ये आकृति पूरा है, इसमें कुल कितने वर्ग हैं, जल्दी से बताइए। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आए तो ये नहीं कि इसमें फार्मूला लगा दे, इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा इसमें फार्मूला नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में ही फार्मूला लगे। देखिए 60 से 70% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें फार्मूला लगेगा, और 30% ऐसे आएंगे जिसमें लॉजिक लगेगी, लॉजिक लॉजिक से लगाना है इसको। तो देखेंगे सबसे पहले ये पूरा एक खाना हो गया, ये पूरा एक खाना हो गया, और ये पूरा दो हो गया, यानी एक दो, एक दो, यानी कि देखेंगे ये दो दो वाला, दो दो वाला हो गया, दो दो वाला हो गया, दो दो वाला जब हो गया तो यानी कि इस सब में पूरा पांच बन जाएगा, मगर इस तरह नहीं। देखेंगे इसमें एक दो तीन चार, चार है और एक बड़ा वाला, यानी ये यही दो दो वाला है, यही दो दो वाला है, दो इसमें दो इसमें, यानी इसमें टोटल कितने बन गए, पांच बन गए, इसमें भी वही पांच बन गए, पांच पांच दस हो गए, दस हो गए, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, दस दो बारह हो गए, पांच प्लस पांच प्लस एक प्लस एक, पांच पांच दस दो बारह हो गए। और एक देखेंगे ये वाला, ये एक वर्ग ही तो है, ये वर्ग है, ये पूरा वर्ग है, ये चतुर्भुज, तो ये हो गया 13 हो गए, और एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, यानी एक और हो गया, कितना हो गया, पांच पांच दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, टोटल कितने आ गए, 14 आ गए, 14 आ गए। ऑप्शन नंबर सी इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगा, समझे आप, एक दो तीन चार, एक बड़ा वाला पांच, एक दो तीन चार, एक बड़ा वाला पांच, और इसमें पूरा टोटल में एक बनेगा, टोटल में एक बनेगा, और इसमें भी टोटल में एक बनेगा, और ये एक ये था इस तरह से था, तो इसमें भी एक बन जाएगा पूरे में, और एक पूरा बड़ा वाला है ही, तो इस तरह से पांच बन जाएंगे, तो कितने बन गए, 14। ऑप्शन नंबर सी ऐसे क्वेश्चन में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 13। जल्दी से बताइए, देखेंगे आप सभी लोग। एक ये बड़ा वाला है, इसका काउंटिंग कर दे, एक दो और एक दो, यानी कि दो यहाँ पर, तो बड़ा वाले में कितना हो गया, पांच हो गया प्लस। अब ये देखेंगे एक दो, यानी कि ये दो हो गया, यानी इस वाले में भी पांच बन गया, पांच पांच दस, एक दो तीन चार, जितना छोटा रहेगा उसको काउंट कर लेंगे, कितना टोटल आ गया, चौदह आ गया, चौदह आ गया, कितना आ गया, चौदह, तो ये चौदह बनेगा टोटल, ऑप्शन नंबर सी होगा, चौदह बनेगा। अगर ऐसा दिख जाए ऐसा, तो कितना बना देंगे, चौदह, टोटल कितने हो गए थे, चौदह हो गए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में चौदह हो जाएंगे। समझा दिया था, एक दो तीन चार, एक पूरा पांच, एक दो तीन चार, एक पूरा पांच, ये पांच और एक दो तीन चार, चौदह, दस चार चौदह आ गए। जल्दी से कॉपी करिए, फिर एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, यही अब लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल। आइए एक और क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? ये आकृति हो गई, क्या हो गई, ये एक आकृति हो गई, ये एक आकृति हो गई, ये वर्ग की आकृति हो गई, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसमें एक है और एक नीचे भी बना है, इन तीन का है, तीन तीन का है, तीन तीन का है, तीन तीन का है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, ये सब वर्ग है, ऐसा नहीं, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग टाइप की आकृति है, सब सब वर्ग है, बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, मगर वर्ग है, सब वर्ग है। अब एक यहाँ पर भी वर्ग है और एक इसके यहाँ पर भी वर्ग है, दोनों तरफ वर्ग है, तो बताइए जल्दी से इसमें कुल कितने वर्ग होंगे? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 42। जल्दी से बताइए, ट्वेंटी टू है, 42 नहीं, 22 ऑप्शन दिया है, 22 दिया है, जल्दी से बताइए। आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा है, एक दो तीन है, दो तीन है, यानी तीन तीन बराबर हो गए, तीन तीन वाले में कितना मैं बताया था, निकाल लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो, तीन गुणे तीन बराबर नौ, दो गुणे दो बराबर चार, एक गुणे एक बराबर एक, नौ चार तेरह एक चौदह, चौदह होगा, तीन तीन वाले में चौदह होगा, एक ये पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह ये हो गया, प्लस चार और जोड़ दीजिए, अठारह हो गया, अठारह हो गया। अब देखेंगे इसमें बहुत सारे लोग बताएंगे कि इसमें एक ही बन रहा है, नहीं, मगर ये तो एक बड़ा वाला ये बन ही रहा है, एक बन रहा है, और ये एक छोटा वाला भी इसमें बन रहा है, यानी एक और बन रहा है, यानी दो और बन रहे हैं, दो और बन रहे हैं, इसमें भी उसी तरह एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, एक ये, यानी कि दो और बन रहे हैं, अठारह चार बाईस, बाईस ऑप्शन नंबर डी, बाईस, बाईस टोटल बनेंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल, यानी कल मॉर्निंग में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। कल हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइए बता दे रहा हूं कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज कैसे गिना जाता है, त्रिभुज को गिनने का तरीका क्या है, त्रिभुज,
त्रिभुज को कैसे गिनते हैं, क्या हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज को कैसे गिनते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये 90% एग्जाम में यही आता है, 90% यही आता है, कितना 90% यही आता है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू।